हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर कर चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो, समझ लेते हो, तो बोर्ड के पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और अब की बार बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट शुरू से एंड तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना। और प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, सारे के सारे बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। इसलिए प्यारे साथियों, वीडियो कंप्लीट छोड़ के मत जाना, ठीक ना, शुरू से एंड तक देखना, ठीक ना। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा चुका है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बताना है कि जल में होता है, कि कांच में होता है, कि हीरा में होता है, कि तारपीन के तेल में होता है। देखो, जब भी मैंने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर बताया था, उसमें बताया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसका अपवर्तनांक भी चेंज हो जाता है, ठीक ना। इसमें बोला जा रहा है कि वायु के सापेक्ष किसमें अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, जल में, कांच में, या हीरा में, या तारपीन के तेल में। तो आपको पहले ये समझना होगा कि देखो, सघन माध्यम कौन है, विरल माध्यम कौन है। तो हीरा को छोड़ के सभी क्या है, हीरा के सापेक्ष क्या है, विरल माध्यम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा सबसे ज़्यादा सघन माध्यम में होता है। तो यहाँ पे हीरा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और यही इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। अब बताना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, ये समझो कि जब भी अगर नेत्र में दिक्कत होता है तो उसमें हम दर्पण का इस्तेमाल नहीं करते। अब बताना है कि यहाँ पे अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा। तो लेंस की रही बात तो कैसे समझोगे, सबसे पहले ये समझो कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम करते हैं अवतल लेंस का। तो यहाँ पे अवतल लेंस हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है, बताना है कि सदैव समांतर होती है, कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कि एक दूसरे पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, या परस्पर काटती है। देखो, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्या करती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक ना, और एक दूसरे के समांतर भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है प्यारे साथियों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बताना है कि शुद्ध जल जो है, मतलब कि प्योर वाटर, इसका पीएच मान क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे यह समझो कि पीएच मान किस तरीके से वेरी करता है। देखो, तीन चीज़ होता है, एक होता है मतलब कि अम्लीय हो जाता है, एक क्षारीय हो जाता है, तीसरा उदासीन हो जाता है। अब देखो, मतलब कहने शून्य हो जाता है। अब देखो, किस किस पदार्थ का कितना कितना पीएच मान होता है, कई बार बता चुका हूँ, 7 से कम अम्लीय के लिए, 7 से अधिक क्षारक के लिए, और जो शून्य होता है शुद्ध जल के लिए होता है, या उदासीन विलयन के लिए होता है। जो हमारा प्योर वाटर होता है क्या होता है, एक मतलब कि उदासीन विलयन है, इसलिए इसका पीएच मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है, जिंक है, चांदी है, कॉपर है, मरकरी है। अब बताना है कि अम्ल से हाइड्रोजन कौन सा तत्व हटाता है, बताना है। यहाँ पे जिंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक ऑप्शन पहला सत्य हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो, अगला क्वेश्चन ये है प्यारे साथियों कि देखो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना, और बोर्ड के पेपर में हू बहू यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। पूछ रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रोपेन, देखो, प्रोपेन का केमिकल फार्मूला होता है C3H8। अब इसको कैसे डिनोट करोगे, तो C3 ऐसे बना दो, तीन ऐसे सिंगल बांड दे करके बना दो, और इसके इस पे 8H ऐसे बना दो, 8, एक बगल में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ऊपर। अब इसको काउंट कर लो कितना हो गया, तो 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 2 8, तो यही केमिकल फार्मूला भी हो गया C3H8। ये प्रोपेन का केमिकल फार्मूला भी होता है, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन कि वह प्रक्रियाएँ जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूटते हैं, कि मतलब कि उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे जिसमें जटिल कार्बनिक अणु जो होते हैं सरल अणु में टूट जाते हैं, उसको अपचयी अभिक्रिया या उपचयी, या समान अभिक्रिया, या दोनों। तो उसमें हम बोलते हैं दोनों अभिक्रिया, उपचयी और अपचयी दोनों हो जाते हैं, क्योंकि और जहाँ पे अगर उपचयी अभिक्रिया और अपचयी दोनों अभिक्रिया जहाँ पे हुई, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि
चर्मदाहर रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B12 की वजह से। जो चर्म रोग होता है मतलब स्किन पे कुछ दिक्कत हो जाता है, खुजली, दाद वगैरह, फुंसी, फोड़े वगैरह जो कुछ भी होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक ना, इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या जो हीमोग्लोबिन का रोल है कहाँ पे ये वेल प्ले करता है, वेल रोल प्ले करता है, बताना है कि श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में, पोषण में। तो ये करता है श्वसन में, जो सांस लेने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें क्या करता है, अच्छा भूमिका निभाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे नसों में पाया जाता है, हमारे रोगों में पाया जाता है, ये ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पे? ब्लड में, ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये बताना है कि फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, ये बताना है किस रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में, या वसाओं के रूप में, या सुक्रोज के रूप में, या वसीय अम्लीय के रूप में। ये होता है सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। कब? फ्लोएम के द्वारा जब भोजन का स्थानांतरण होता है तब, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये है प्यारे साथियों कि देखो, ये आपकी बार प्री बोर्ड के पेपर में पूछा भी गया था कि प्रतिरोधकता, यानी कि जिसकी हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या होता है, SI मात्रा क्या होता है, ओमीटर, कूलाम, वोल्टमीटर, ओम। तो प्रतिरोधकता जो होता है उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम इंटू मीटर। अब की बार ये बोर्ड के पेपर में पूछा भी गया था, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसा मशीन, ऐसी कोई युक्ति, ऐसी कोई डिवाइस जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करती है, उत्पन्न करती है, उसको क्या बोलेंगे, जनित्र, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या मोटर बोलेंगे। तो देखो, करंट कौन उत्पन्न करता है? करंट विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति होती है वो कौन होती है? जनित्र होती है, जनरेटर होता है। अभी देखो, जनरेटर में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, मतलब कि जो भी फ्यूल वगैरह हम देते हैं वो क्या करता है, हमें करंट देता है। यहाँ पे एमीटर मत लगाइएगा, क्योंकि एमीटर ये क्या करता है, एमीटर करंट को मापता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमीटर करंट को मापता है, और यहाँ पे जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो डिवाइस होती है, मशीन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनित्र या जनरेटर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और मोटर क्या करता है बताना, कमेंट करके बताना, मोटर को का काम और गैल्वेनोमीटर का काम, दोनों कमेंट करके बता देना, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। वे ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम मतलब कि जीवों से जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक ना, वो अपघटित होकर के क्या बनते हैं, जैव निम्नीकरणी, जैव उच्चीकरण, अजैव निम्नीकरणी, इनमें से कोई नहीं। कई बार बता चुका हूँ कि वे सारे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के थ्रू अपघटित हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। फर्स्ट अगला क्वेश्चन कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है? पवन चक्की जो होती है, कई बार सुने होंगे, जानते भी होंगे, पवन चक्की का हम उपयोग किन काम करने में करते हैं, यांत्रिक कार्य या रासायनिक कार्य या यांत्रिक और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पवन चक्की का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, बड़ी बड़ी मतलब कि जहाँ पे मतलब जो खुला मैदान होता है वहाँ पे, जहाँ हवाओं का रफ्तार तेज होता है वहाँ पे हम पवन चक्कियों का इस्तेमाल करते हैं, और इसका हम उपयोग करते हैं यांत्रिक कार्य में, मैकेनिकल एनर्जी करने के लिए, ठीक ना। किसका? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यांत्रिक कार्य में। अगला क्वेश्चन कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, स्रोत बताना है कि जीवाश्म ऊर्जा मतलब कि जीवों से ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जो जीवों से प्राप्त होती है, ये हम इसका स्रोत क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। देखो तो देखो, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोयला। क्यों? क्योंकि ऐसा ये कोयला ऐसी एक एनर्जी है जो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। क्यों? कि पुराने ज़माने में, आज से कम करोड़ों साल पहले या सैकड़ों साल पहले हुआ क्या था कि भूकंप वगैरह आने की वजह से, ज्वार वगैरह आने की वजह से जितने भी मतलब कि जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सारे के सारे ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, भस्म हो गए थे, उसी से ये कोयला का निर्माण हुआ है, और इसका हम एक ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना कि जल की कठोरता यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब कि जो भी कठोरता होती है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कठोरता को दूर करने के लिए। अभी देखो, समुद्र का जो पानी होता है खरा होता है, पीने के योग्य नहीं होता है, लेकिन ऐसे पानी का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, मतलब कठोरता को कैसे हटा सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके, कि धावन सोडा या बिरंजक चूर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊँगा, ठीक ना,
मेरे को कमेंट करके बताना, कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ, ठीक ना। इसको मेरे कमेंट करके बताना कि बेकिंग सोडा होगा कि विरंजक चूड़ा होगा कि धामन चूड़ा होगा, मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ये भी तो कई बार बता ही चुका हूँ लेकिन इसको बता दे रहा हूँ कि जेड एन प्लस यू एस ओ फोर जिंक को अगर कापर सल्फेट के साथ जब मतलब कि अभिक्रिया कराओगे तो जिंक सल्फेट यहाँ बन जाएगा और कापर अलग हो जाएगा, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और बताना कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, केमिकल रिएक्शन जो हुआ, ये किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो गया, संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन या द्विविस्थापन या वियोजन अभिक्रिया। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन? विस्थापन अभिक्रिया। देखो क्यों हुआ, क्योंकि इसमें देखो एक भी मॉलिक्यूल इधर के उधर नहीं हुए हैं, सारे के सारे एक दूसरे को विस्थापित हो गए। देखो यहाँ पे सल्फेट यहाँ पे जिंक के साथ क्रिया कर लिया और कापर अलग हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हुआ, सारे के सारे एलिमेंट विस्थापित हो गए। इसमें कापर सल्फेट के साथ है, कापर इसमें अलग हो गया, जिंक अलग है तो जिंक सल्फेट के साथ आ गया, जिंक सल्फेट बना लिया, इसलिए क्या हुआ, ये मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, मतलब किस दर्पण में, बताना है कि किस दर्पण में बन सकता है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो बताना कि वस्तु से बड़ा आभासी, तो वस्तु से बड़ा आभासी कब बनता है, अवतल दर्पण में बन सकता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। और ये अवतल दर्पण की जो भी छः कंडीशन होती है उसमें छठवां कंडीशन ये बनाता है, ठीक ना, और सीधा बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब कि कैसे, पुतली के थ्रू या पक्षमावि के द्वारा या दृष्टि पटल के द्वारा या परितालिका के द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक ना, बदल सकते हैं। किसके थ्रू? पक्षमावि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, बताना है कि पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो कौन सा होता है, एक्स वाई होता है कि एक्स एक्स होता है कि वाई होता है कि ओनली एक्स होता है, ये बताना है। तो पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पुरुषों में एक्स वाई, ठीक ना, और महिलाओं में एक्स एक्स पाया जाता है, ठीक ना। अब देखो जो भी हमारे मतलब कि बच्चों का निर्धारण होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, बॉयज होगा या गर्ल्स, ये मतलब कि पुरुष पे डिपेंड करता है, क्यों, इसी वाई के चलते। अगर ये वाई या एक्स इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक ना, इसके थ्रू ये वाई आएगा तो लड़की, एक्स आ जाएगा तो लड़का हो जाएगा, ठीक ना। तो इस पे ध्यान रखना है कि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक्स वाई पाया जाता है, और महिलाओं में क्या होता है, एक्स एक्स पाया जाता है। कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, बताना है कि AgCl क्या PbNO3 ट्वाइस या FiSO4 या CsCO3। तो यहाँ पे देखो श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी कि जो भी फोटोग्राफी होता है, कैमरा होता है, उसमें कौन सा तत्व यहाँ पे प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो यहाँ पे होता है लेड नाइट्रेट। आप सभी को ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखना है, ये बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसको ध्यान में रखना है, ये बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथी ये है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ये बताना है। देखो तीन कंडीशन मैंने बताया था, अम्लीय का, क्षारीय का, एक उदासीन विलयन का, तो तीनों को मैंने बता दिया। देखो क्षारकीय विलयन का यहाँ पे पीएच मान पूछा है शून्य या सात, या सात से कम या सात से अधिक। तो देखो जब भी क्षार का पूछेगा तो सात से अधिक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सात से अधिक, लेकिन अम्ल का पूछेगा तो सात से कम। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, शून्य होता है, ये आप सभी को याद रखना है। तीनों विलयन का पीएच मान आप सभी को याद रखना है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों पूछा गया है कि एक विलयन का पीएच मान पाँच है, कितना है, पाँच है, यह विलयन कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है कि इनमें से कोई नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि देखो जिन विलयन का पीएच मान सात से कम होता है, अभी देखो बताया ना कि सात से कम होता है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, सात से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, और जब सात होगा तब क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पाँच क्या है, सात से कम है, तो यहाँ पे विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है प्यारे बच्चों कि जब जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निष्कासित होती है, ये बताना है कि भाई जब जिंक होता है, जस्ता होता है, जो HCl से जब क्रिया करेगा, ये देखो ये Zn है, और जब HCl के साथ क्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनाएगी ये बताना है। तो बनाता है ऑक्सीजन गैस, नहीं सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक ना, यहाँ पे याद रखना है हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्योंकि यहाँ पे H जो है, H यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अगला ऑप्शन प्यारे साथी ये है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, भाई बताना है कि लेड नाइट्रेट। अभी देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है तो लेड नाइट्रेट, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई कि PbNO3 ट्वाइस, तो यहाँ पे बता दो भाई PbNO3 ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे रिलेट करके भी पढ़ सकते हो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि पूछा गया है कि लिथियम विकर्ण दर्शाता है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि लिथियम भाई किसके साथ विकर्ण शो करता है, ये बताना है Na के साथ यानी कि सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, या एल्यूमिनियम के साथ, या मैग्नीशियम के साथ। तो किसके साथ दर्शाता है, मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो कई बार पूछा जा चुका है, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई लिथियम जो है किसके साथ विकर्ण शो करता है। देखो विकर्ण वाला ऐसे यहाँ पे लिथियम हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना, मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देखो ये ऐसा सेशन है जिसमें देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के तीनों क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी पक्का कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है किस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णहरित से, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसको याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है किसके थ्रू निकलती है, पर्णहरित गैस के थ्रू निकलती है, इसको ध्यान में रखना है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे साथियों कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, बताना है। देखो विटामिन सी खट्टे पदार्थों से मिलकर बना होता है और खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है विटामिन सी, अंडा, मछली, गेहूं या संतरा। यहाँ पे सबसे खट्टा पदार्थ क्या है, संतरा या नींबू में, तो नींबू वगैरह में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे संतरा, नींबू या जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें ये विटामिन सी पाया जाता है। अब मेरे कमेंट करके बताना कि भाई विटामिन डी किस में पाया जाता है और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, ये मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो पुष्प में बताना है भाई फूल के कितने भाग होते हैं, कोई परागण होता है, पराकण होता है, पुंकेसर होता है, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं ये बताना है। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि पुष्प के कितने भाग में डिवाइड किया गया है, पुष्प को मेनली 4 भाग में डिवाइड किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है प्यारे साथियों कि अनुवांशिकता के प्रयोग हेतु मेंडल ने निम्न में से किस पौधे का प्रयोग किया, यही उपयोग किया। तो अनुवांशिकता मतलब कि जो भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी चीज़ें आती चली जा रही है उसमें मेंडल ने किस चीज़ पे मतलब अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, पपीता में, पपीता से, मटर से, या आलू से, या अंगूर से, तो ये बताना है। देखो अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने जो भी यहाँ पे एक पौधा लिया था वो लिया था मटर का पौधा, किसका, मटर का पौधा लिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना। मटर या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइगोट के गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताना है 4x या 3x या 2x या x, ये बताना है कि जाइगोट के गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 2x, कितनी होती है, 2x के बराबर होती है। तो जाइगोट के गुण सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पहले से पूछा गया है, देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये बताना है भाई, 10 सेंटीमीटर की, 20 की, 30 की, 40। यहाँ पे देखो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है कि F बराबर R/2 होता है, कितना होता है, R/2। यहाँ फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 10 बराबर R/2, यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 × 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना, और बोर्ड के पेपर में बहुत बार, एक बार नहीं कम से कम 10-20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये हर साल पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कौन सा होगा, भाई बताना है कि समतल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि उत्तल होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब कि पास रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और दूर रखेंगे तो उल्टा बन जाएगा, तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, इसको ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण में 5 ऐसी कंडीशन होती है जिनको क्या करते हैं भाई, दूर रखते हैं तो क्या हो जाता है,
उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अगर छठा कंडीशन जो होता है एकदम ऐसे दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और कैसा बनता है, सीधा बन जाता है, इसको याद रखना है। तो सारे के सारे कंडीशन आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मानव नेत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, कार्निया पर, आयरिस पे, पुतली पर, रेटिना पर। ये बताना है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो बनता है कहाँ पे, रेटिना पे बनता है, कहाँ पे, रेटिना पे, ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत मोटर का विद्युत आवेश का मात्रक होता है, भाई बताना है कि विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या होता है, जूल, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। तो ये होता है कूलाम होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कितनी, क्या होती है, कूलाम होता है, इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक ना, याद रखना है, कैपिटल सी आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है, एनर्जी का, ऊर्जा का, एम्पियर, धारा का, वोल्ट, विभवांतर का, वोल्ट का, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, भाई क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी एक मतलब कि जो गतिशील आवेश होता है, गतिमान आवेश होता है, मतलब कि चार्ज होता है, वो क्या करता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 3rd सही हो जाएगा, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा गया है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, बताना है कि जीवाश्म ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, बताना है भाई, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोल या जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा मतलब कि जीवों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, तो क्या होता है यहाँ पे, कोयला करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम या कोयला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कोलीफार्म समूह होता है किसका, विषाणु का, जीवाणु का, प्रोटोजोआ का, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा जीवाणुओं का, किसका, जीवाणुओं का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2nd सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या नेत्र लेंस पर, कहाँ बनता है भाई बताना है, कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, दूरदृष्टि दोष के कारण। इसमें होता क्या है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत छाप करके बता दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त में से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी ऑप्शन सही होना चाहिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए और सूर्य का एनर्जी भी प्राप्त होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी प्राप्त होना चाहिए। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, अगर ये प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।